हेलो गाइज, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं आज न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं गाइज, ये पोहा है, इसको चिवड़ा भी बोलते हैं। तो इसको मैं बनाऊंगी पोहा चटपटा कम मसाले का। तो गाइज, पोहा की रेसिपी अगर आपको देखनी है तो पूरी रेसिपी देखिएगा वीडियो, और मिस नहीं कीजिएगा। और अगर नए देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। पोहा बनाने के लिए मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को चाहे तो पतले से भी काट सकते हैं या लंबे से भी काट सकते हैं, जो अवेलेबल आपके पास हो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। तो पोहा को गैस से क्या करेंगे, पानी डालेंगे और दो तीन पानी से इसको धो लेंगे। तो धोने से पहले चलते हैं गैस की तरफ। अभी पोहा को ऐसा ही रखे रहने देंगे, गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, ऑयल को गर्म करेंगे। जी मैंने लिया है गैस राई, चाहे तो येलो वाली भी आप ले सकते हैं, और मैंने काली राई ली है। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें राई डाल देंगे। राई से गाइस टेस्ट बहुत अच्छा आता है। राई आप देख सकते हैं गाइस, ये गर्म हो रही है, कुछ ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो ये जलने लगेगी और जलेगी और ये फिर चारों तरफ कूदने लगती है और ये चिटकने लगती है इधर उधर। तो जब चिटकने से पहले ही इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो चलाएंगे, प्याज को गाइस ज़्यादा भूनना नहीं है पोहा बनाती समय। अब इसमें ही प्याज हल्का सा फ्राई हो गया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी इसी में ऐड कर देंगे। हरी मिर्च को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज गाइस देख सकते हैं कि गुलाबी हो गया है, इस तरीके से हल्का गुलाबी रखना है, ज़्यादा नहीं। अब गैस को कर देंगे लो फ्लेम पर। अब जो मैंने चूड़ा लिया है पोहा, जिसको बोलते हैं चूड़ा, तो इसको क्या करेंगे, दो तीन पानी से धो लेंगे। ये चूड़ा है और पानी धो लेंगे। इसको धो लेंगे, एक बार और धोएंगे। इस तरीके से दो तीन पानी से इसको धो लेंगे। इस तरीके से ये परफेक्ट धुल चुका है, इसको दो तीन पानी से धो लिए हैं। प्याज आप देख सकते हैं इस तरीके से गुलाबी हो गया है। अब इसको चलाना नहीं है ज़्यादा, आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर को चला लेंगे। तो प्याज आप देख सकते हैं किस तरीके से गुलाबी है, ज़्यादा ना ज़्यादा कच्चा है और ना ज़्यादा भुना हुआ है, बीच में रखा है इसको। अगर वैसा रखेंगे तो ये जल जाएगा। गैस को मैंने लो फ्लेम पर ही रखा है। अब जो मैंने चौड़ा जो बनाया है धो के, तो धो के रखना नहीं है ज़्यादा। अब इसको डायरेक्ट इसको कढ़ाई में डाल देंगे। चलाएंगे इसको, अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक की क्वांटिटी परफेक्ट रखनी है बिल्कुल। चलाएंगे, वन टीस्पून चीनी। चीनी से गाइस टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर। खट्टा करने के लिए आप चाहे तो नींबू ले सकते हैं, मैंने लिया है विनेगर, और चाहे तो पिसी हुई खटाई भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक ढक्कन विनेगर इसमें ऐड कर देंगे। तो चलाएंगे इसको, इतने अच्छे से चलाना है ताकि जो नमक डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और टर्मरिक पाउडर जो है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। विनेगर कहीं भी एक सा फ्लेवर आए, जो इधर उधर मिलाने का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से चला लेंगे। तो ये आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ते भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या धनिया डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। उससे कड़ी पत्ते से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने कड़ी पत्ता इस्तेमाल नहीं किया है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो चलाएंगे, तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस तरीके से काट लेंगे, धोने के बाद ही काटिएगा। तो बस इस तरीके से धनिया डाल दिया है, गैस को ऑफ कर देंगे। पोहा परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब इसको सर्व कर लेंगे।
तो ये रहा चटपटा कम मसाले का पोहा। तो गाइस कम्युनिटी ऑप्शन में मेरा एक नया चैनल है जो शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप जाके मेरे चैनल को देखिएगा शॉर्ट्स की वीडियो और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको रेसिपी कैसी लगी तो अब देर न करते हुए फटाफट कर लेते हैं सर्व। एक प्लेट लेंगे और इसमें रखेंगे पोहा। तो ये रहा गाइस चटपटा मसालेदार पोहा। तो गाइस इस तरीके से पोहा परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। आपको गाइस पोहे की रेसिपी कैसी लगी, आप इसको चटनी सिखाइएगा या टमाटो सॉस सिखाइएगा, जो भी अवेलेबल आपके पास हो उससे आप तो खाइएगा और चाय का चाय के साथ। तो गाइस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चलते चलते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। Thank you.